फिजिक्स के 30 से 35 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12 वाले बच्चे के लिए। क्लास 12 में जो साइंस से बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे और जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये 30 से 35 जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, और इस साल भी यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन लिखेंगे। और पहली बात ये है कि अगर इसको आप समझ लेते हैं ना, तो यहाँ से मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन को समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मतलब क्या होता है? तो सभी को पता है विद्युत फ्लक्स जिसको फाई से हम लोग सूचित करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है वोल्टमीटर। क्या होता है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का संकेत क्या होता है? Vm होता है। आगे देखिए 1/4πε0, ये क्या होता है? कूलम्ब का जब नियम पढ़िएगा, पहले का चैप्टर्स में ही पढ़ना क्लास 12 में, तो 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। और कई बार यही पूछता है कि यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान पूछेगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक कितना होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ये कई बार क्वेश्चन करता है, साथ में ये भी करता है कि 1/4πε0 एक नियतांक होता है, इसका एसआई मात्रक कितना होगा? तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। लेकिन अगर पूछे एप्सिलॉन नॉट कैसे मात्रक क्या होगा, तो इसको उलट देना है, कूलम स्क्वायर ऊपर चलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे चलाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नहीं तो फैराडे प्रति मीटर भी कहते हैं। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको जरूर देगा, ठीक है ना? यानी एप्सिलॉन नॉट कैसे मात्रक क्या होगा? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नहीं तो उसको बोल सकते हैं फैराडे प्रति मीटर, ठीक है ना? आगे देखिए फैराडे प्रति मीटर से फैराडे Fm⁻⁹। अगला प्रश्न आपका है, जब किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? सोचो कोई ये वस्तु है, इस पर आवेश दे दिए, तो आवेश देने से किसी वस्तु का द्रव्यमान मतलब वजन नहीं बढ़ता है, वजन बढ़ने वाला है क्या? नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब किसी वस्तु को जब आवेश देंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? अचर ही रहता है। अगला प्रश्न है, विभव प्रणता किसके बराबर? चार गो ऑप्शन देगा आपको, तो उसमें dv dx भी होगा या -dv/dx भी बोल सकते हैं। देखो dv/dx को हम लोग विभव प्रणता कहते हैं, तो विभव प्रणता किसके बराबर होगा? dv/dx से। आगे एक स्टेट कूलम, देखो अगर पूछेगा एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होता है, तो एक कूलम बराबर 3×10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है। लेकिन अगर एक स्टेट कूलम बराबर पूछे कि कितना कूलम होगा, तो 1/3×10⁻⁹ कूलम आवेश होता है, ठीक है? तो एक स्टेट कूलम का मान 1/3×10⁻⁹ कूलम, लेकिन वही पूछेगा एक कूलम का मान स्टेट में कितना होगा, स्टेट कूलम में, तो 3×10⁻⁹ कूलम हो जाएगा, ठीक है? 9 स्टेट कूलम हो जाएगा। आगे प्रश्न की आदर्श एमीटर का, अगर यही पूछता आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, लेकिन आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना वो शून्य होता है, मतलब जीरो होता है। आठवां प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? देखो किलोवाट घंटा जो है ना ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, जिसका मान 3×6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। इसी से हम लोग जो बिजली बिल का यूनिट आता है ना, इसी से निकाली जाती है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक? ऊर्जा का, इसका मान 3×6×10⁻⁶ जूल होता है। आगे प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का विद्युत प्रतिरोध, यानी मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का विद्युत प्रतिरोध की क्षमता कितनी होती है? तो 50,000 ओम होता है, यानी स्वस्थ मनुष्य का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो 50,000 ओम के बराबर होता है। अगला 10 नंबर है, विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है? देखो विद्युत परिपथ की शक्ति VI भी बोल सकते हैं या V²/R, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा यही पूछता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी, तो जिसमें देखिएगा V²/R उसको टच कर दीजिएगा, ठीक है? अगर देखिए एक फैराडे का मान कितना कूलम के बराबर होता है, तो याद देखिएगा एक फैराडे का मान 96,500 कूलम के बराबर होता है। किसके? 96,500 कूलम के बराबर होता है। अगला, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होगी? देखो जो लौह पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होता है ना, लौह पदार्थ जो होता है उसकी चुंबकशीलता लेकर चलेंगे तो 1 से कम होती है। क्या होती है? 1 से कम होती है। क्या होती है बाबू? 1 से कम। किसका? लोहे वाले पदार्थ का चुंबकशीलता हमेशा 1 से कम होती है। अगर ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या है? देखो ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर, ठीक है ना? यानी एम्पियर मीटर इसको कहिए, यानी एम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वात की चुंबकशीलता चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? देखो निर्वात मतलब जिसको शून्य कहते हैं, निर्वात शून्य, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसमें प्रकाश चलती है, ठीक है ना? कहने का सीधा सा मतलब है कि निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति देखेंगे तो हमेशा शून्य होती है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी मी नॉट का अगर चुंबकीय प्रवृत्ति चलेंगे तो बाबू क्या जाएगा? शून्य चलाएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितना होता है? शून्य। अगला प्रश्न, LR परिपथ की शक्ति गुणांक, ये कई बार किया भी है, LR परिपथ का शक्ति गुणांक, तो R को ऊपर कर देंगे और नीचे क्या करेंगे? R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर, ठीक है ना?
ये लेकर चलना, यही होता है एलआर परिपथ की ये आपका शक्ति गुणांक होता है। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए जाए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है। देखो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है उसकी प्रवृत्ति जो होती है ना अनुप्रस्थ होती है, अनुधैर्य नहीं होती है। अनुधैर्य को गलत साबित कर दिया गया था, पहले अनुधैर्य ही कहा जाता था लेकिन बाद में अनुप्रस्थ कहा गया। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, इसमें विद्युतीय तरंग भी चुंबकीय तरंग भी दोनों मिलता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग इसको हम लोग कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। आगे समतल दर्पण की वक्रता थी, देखो अगर समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या पूछे तो अनंत, समतल दर्पण का फोकस दूरी पूछे तो भी अनंत होगा, क्योंकि फोकस दूरी क्या होता है, f बराबर b2, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है तो आधा निकालेंगे तो भी क्या आएगा, वो जीरो आएगा। यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या सब पूछेगा तो क्या आएगा, इसका अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा, जीरो नहीं होगा, अनंत होगा। कितना होगा, अनंत। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का वेग महत्तम किसमें होता है। देखो प्रकाश का महत्तम का मतलब सबसे अधिक, तो प्रकाश का जो वेग होता है वो शून्य या निर्वात में 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, वही आपका पानी में होता है 225,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और कांच मतलब शीशा में 200,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल होती है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा किस में होता है, निर्वात में होता है, मतलब आकाश में होता है। अगर दीर्घ दृष्टि दोष किसके लिए आवश्यक है, दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हुआ है, जिसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जब आपके आंखों में हो जाएगा तो दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष अगर आपके आंखों में हो गया तो बाबू वो क्या होता है कि आपको कट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस, ठीक है ना। आगे प्रकाश के रंग का क्या कारण क्या, प्रकाश अनेक रंग का आपको दिखाई देता है, जैसे बैजानी पिनाला, प्रकाश के रंग 7 रंगों में बटी रहती है जिसको वर्ण विक्षेपण भी हम लोग कहते हैं। तो प्रकाश के रंग अलग अलग होते हैं, क्यों, इसके रीजन होता है आवृत्ति, किसी का आवृत्ति ज्यादा किसी का कम। सबसे ज्यादा देखिएगा ये तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो बाबू लाल का होता है, दूर से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश का रंग किसके कारण होता है, अलग-अलग रंग की किसके कारण, तो आवृत्ति के कारण होते हैं। आगे 21 नंबर, किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर बना तरंगाग्र, अगर मान लीजिए कोई आपका बिंदु है और यहाँ से आपका कोई परिमित सेम दूरी लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर जो तरंगाग्र बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, गोलाकार तरंगाग्र बनेगा, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर बना तरंगाग्र क्या कहलाएगा, गोलाकार तरंगाग्र कहलाता है। आगे 22 नंबर है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, जो पतला फिल्म होता है उसके रंग का कारण जानते हैं क्या, व्यतिकरण है, क्या है, व्यतिकरण। आगे देखिए 23 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको ईवी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं, तो यह देखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है ना बाबू कितना, 1.6 × 10⁻⁴⁻⁴⁻⁴⁴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 
रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होता है। देखिए दो क्वेश्चन यहां से बनेगा, पी प्रकार का जो, क्योंकि अर्धचालक दो प्रकार के चलेंगे, एन टाइप पी टाइप, तो पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें आवेश वाहक होल होते हैं, लेकिन एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही क्वेश्चन डिसमिस करता है। पी प्रकार में पूछेगा आवेश वाहक तो होल छिद्र जिसको कहते हैं, और एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक पूछेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला 27वां प्रश्न, आवेश की बीमा क्या होती है। देखिए आवेश की बीमा जो होती है ना वो होती है एटी। क्या होती है? एटी। अब कई बार पूछा है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो ए का मतलब एम्पियर, टी का मतलब समय यानी घंटा, यानी एम्पियर घंटा किसका मात्रक निकल जाएगा? आवेश का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए 28 नंबर, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है कि असंरक्षी होता है? तो भैया संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? संरक्षी होता है। आगे 29 नंबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक कूलम्ब मीटर। क्या होती है? कूलम्ब मीटर। क्या होती है? कूलम्ब मीटर, यानी आवेश और दूरी का गुणनफल करेंगे तो विद्युत द्विध्रुव गुण निकल जाती है। विद्युत धारिता कैसे मात्रक सभी को पता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था एक फैराडे का मान किसके बराबर होता है, फैराडे किसका ऐसे मात्रक? विद्युत धारिता का संधारित्र का होता है। ठीक है, तो विद्युत धारिता कैसे मात्रक? फैराडे। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। आगे 31 नंबर प्रश्न है, विद्युत जो हीटर होता है, हीटर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, हीटर में आखिर कौन सा तार का जो तार बना होता है, किस तत्व का बना होता है, चाहे हीटर में किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। किसका? नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। दो टाइप से क्वेश्चन करेगा, हीटर में किया गया तत्व का प्रयोग का नाम क्या, या पूछेगा कि विद्युत हीटर में जिस
विद्युत हीटर में जो तार होती है वो किस तत्व से बनी होती है? नाइक्रोम से बनी रहती है, ठीक है ना। अब वही एक और क्वेश्चन करता है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो इस तरह से मैंने आपको 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्लास 12 वाले बच्चे का लड़ने का चांसेस नहीं, 100% चांसेस है, इसलिए इसको लिख कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।